हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप आप सब मज़े में होंगे। आज है 15 अगस्त, तो स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की जो राइड है ये हम रख रहे हैं मुकुंदरा हिल्स, और मुकुंदरा हिल्स की जो राइड है इसकी मैं स्टोरी आपको बाइक पर सुनाऊँगा। अभी सारे फ्रेंड्स जो हैं वो IRB ढाबा वेट कर रहे हैं, तो सुबह के बज गए हैं 4 और हम हो गए हैं तैयार। मिलते हैं आपको बाइक पर। आज हम पहली बार एक बहुत अच्छी कॉज के लिए राइड कर रहे हैं, तो श्रेय जाता है विजन बना को। विजन बना के कुछ एक्टिविस्ट लोग हैं कोटा में, तो वो चाह रहे हैं कि मुकुंदरा रिजर्व रहे वहाँ पे। मुकुंदरा रिजर्व गवर्नमेंट वहाँ से शिफ्ट करना चाह रही, क्योंकि वहाँ पे एक ही टाइग्रेस रहेगी। तो एक्टिविस्ट लोगों का कहना है कि वहाँ एक टाइगर और लाओ, उससे वहाँ का कुनबा बढ़े। तो बेसिकली गवर्नमेंट प्रोटेस्ट राइड है ये, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। एज यूजल सारे साइंस जो हैं, बज गई अभी हमको निकलना है जस्ट इसके बाद में। कुछ भी ऑब्स्टिकल है अभी, क्या है रेन के बाद का सीजन है, पॉटहोल्स बहुत मिलेंगे। कार निकल जाती है लेकिन बाइक के लिए थोड़ा सा डेंजरस होता है, तो कुछ भी पॉटहोल्स मैं लीड कर रहा हूँ। जहाँ पे भी लीड चेंज करेंगे वहाँ एक बार रोक के ब्रीफ कर लेंगे। पहला टारगेट तो ये है कि लाडपुरा चौराहे पे रुके, लेकिन हो सकता है बिगोद में थोड़ा सा काम है वहाँ रुकेंगे। सारे रूल्स जो फॉलो करेंगे, लीड जो बंदा कर रहा है वो जो रूल वो कुछ भी उसने इशारा किया है वो सबको फॉलो करने। वो समझ में आया कि नहीं आया, कुछ कुत्ता जानवर गधा कुछ भी आ रहा है वो उसमें, ये रॉन्ग साइड आने वाले वो लोग भी हैं। स्लो डाउन का है, स्पीड अप का ये है। सबसे इंपॉर्टेंट जो हर राइड पे मैं बोलता हूँ, फॉलो द टेल, एवरीबॉडी विल फॉलो द टेल। टेल करेंगे गुरुसाजन और उसके पीछे रहेंगे बना, क्योंकि सबको वॉच करते रहेंगे। अगर टेल नहीं दिख रही, तीसरे बंदे को भी टेल नहीं दिख रही, तो वो स्लो डाउन हो जाएगा, ताकि चौथा बंदा आ जाए। नहीं आया तो क्यों, जिसको टेल नहीं दिखेगी वो स्लो डाउन कर लेगा। तो 10-15 फीट से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ब्रीफिंग हो गई है और अब हम निकलते हैं। ब्रीफिंग बहुत ज़रूरी है, इससे राइड आसान हो जाती है। अब नंबरिंग हो रही है, जिस नंबर पर सर ने बताया है उसी नंबर पर चलना है। तो हम राइड स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, राइड स्टार्ट हो गई है और भिलवाड़ा से हम निकल चुके हैं। कोटा यहाँ से 165 किलोमीटर है, और जो दर्रा है जहाँ हमें जाना है मुकुंदरा हिल्स, वो वहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। और मुकुंदरा हिल्स जो है ये टाइगर रिजर्व है, राजस्थान में तीसरा टाइगर रिजर्व है आपका रणथंबोर एंड सरिस्का के बाद। तो आज राइड जो है वो वहीं की रखी है हमने। वहाँ पर जो एक अभी टाइगर है, जो एक फीमेल है, वो सिर्फ एक है, क्योंकि उससे पहले यहाँ पर 4 या 5 आई थिंक इस जंगल में छोड़े थे, जिसमें से कुछ बीमारी के कारण वो मर गए। तो अब सिर्फ एक फीमेल बची है, तो वहाँ के जो लोग हैं उनकी डिमांड है कि वो वहाँ पर एक नर टाइगर को वहाँ पर छोड़ें, जिससे क्या है कि उनकी जो तादाद है वो थोड़ी सी बढ़े, वापस वो वहाँ पर अपनी जो लाइफ है उसको स्पेंड करें। तो माता भी गाड़ी के यहाँ पर जुड़ गए हैं, वो बदल रहे अभी। मिस्त्री सलीम मिस्त्री कितना था यहाँ पे? तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी दिक्कत हो गई थी। जॉन सर की जो बाइक है हिमालयन, उसके फ्यूज उड़ गए थे, जिसके कारण गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर हमने फ्यूज बदले और वापस हम हमारे ट्रैक पर आ गए हैं। फाइनली हम शहीद स्मारक पहुंच गए हैं कोटा। सामने जो दिख रहा है ये शहीद स्मारक है, और यहाँ सब हमने बाइक हमारी पार्क कर दी है, और अब यहाँ से जो रैली स्टार्ट होगी वो जाएगी मुकुंदरा हिल। सारे राइडर्स जो हैं वो अपनी बाइक को अच्छी तरह से पार्क कर चुके हैं। राइडिंग शुरू होने से पहले एक छोटा सा मेरा ब्रीफिंग रहता है हमेशा से, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है क्योंकि मैं सबको जानता नहीं हूँ। बेसिकली हम लोग गेयर्स वगैरह में रहते हैं, तो हम लोग को सब देख के उनको एक इच्छा होती है कि हम भी ऐसे रूल्स वगैरह फॉलो करें, तो रूल्स कोई ब्रेक नहीं करता है हमारे ग्रुप में। सिंगल लेनी करेंगे सर शिवराज जी? सर अभी तो डबल चलेंगे, ठीक है, बाद फिर सिंगल करेंगे। ठीक है, तो वो आप इशारा कर देना। ठीक, हाँ हाँ,
दिस इज डबल फाइल, दिस इज सिंगल फाइल, राइट? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अरे इंसान तो ये जो कार्यालय है ये DFO साहब का कार्यालय है और यहाँ पर हम सब ज्ञापन देने आए हैं। तो उसके लिए एक पैर चाहिए भाई, पैर चाहिए। NCC का उनका ये कहना है, आप जो कह रहे हो हमने एक ईमेल और दो मेल लाने का प्रपोजल उनसे पहले मिल गया, थैंक यू सो मच। लेकिन मीटिंग हुई उसके बाद में 25 जून को NCC की, उसमें मैं भी गया था, हमारे चीफ पटावर उन्होंने ये कहा कि भाई जो आपके जो हर्बिवोर्स की पॉपुलेशन इज वेरी लेस, डेंसिटी बहुत ही कम है, इसलिए आपको पहले 500 चीतल लाने, उसके साथ हम 500 चीतल का प्रपोजल भी लेके गए थे। वो प्रपोजल के थाने से हम वाइल्ड से लाएंगे, थाने से पहले फेज में 500 चीतल लाएंगे, उसकी उन्होंने सैंक्शन दे दी। सैंक्शन के देने के बाद में हमने ट्रेनिंग वोनिंग करके सब कुछ कर दिया, बीच में फिर बारिश आ गई, अभी भी हमने कैंटर वहाँ भेज रखा है कि भाई जब ये इसमें चढ़ जाएँ तो बता देना, हम भी आएंगे। तो ये जो 500 चीतल में 300-250% भी आए ना, तब उनको हम कह सकते हैं कि भाई हमारी इतनी आ गई तो आप हमें पहले एक मेल दो फिर एक मेल के मेल। सर एक मेरा क्वेश्चन है कि जैसे अपना कैंटर गया हुआ है, कैंटर में 10 एक बार शुरू तो भाई बरसात होने के पूरे घने में पानी भर गया, संख्या बढ़ाने की बात तो जब है कि जब वो शुरू हो गए आने लग जाए, हमने उनको कह रखा है कि 3 कैंटर किराए पे और लेके उधर से लिया है। ऑलरेडी जो इसमें जो 82 स्क्वायर किलोमीटर में हमने छोड़ना किया है उसमें कुछ चीजें 50-60 तो हम छोड़ेंगे, 28 हेक्टर, 1 हेक्टर में कोई इतनी ज्यादा नहीं छोड़े जा सकते हैं और बाकी छोड़ेंगे हम। तो दोस्तों जो अधिकारी जी हैं, अधिकारी साहब जो हैं, वो बता रहे हैं कि अगर यहाँ पर हम टाइगर और लेके आते हैं तो उनके लिए भरपूर खाने की व्यवस्था भी करनी होगी। तो जैसे चीतल के लिए बोल रहे हैं या जो भी जानवर हैं, वो जब तक भरपूर नहीं होंगे इस रिजर्व में तो वो अपना दिन का गुजारा कैसे करेंगे, मतलब खाने पीने की चीज़ें वो खाएंगे कैसे, जब वो खाएगा नहीं तो ऑब्वियसली वो मर जाएगा वापस। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने यही कहा है कि 500 चीतल के आसपास जो हैं वो यहाँ लाएंगे, उसके बाद फिर ये यहाँ और टाइगर जो है वो छोड़ेंगे। सर सबसे पहले तो आपका धन्यवाद है क्योंकि इतनी दूर से यहाँ आकर के और एक हमारे इतने इम्पोर्टेंट कॉज में शरीक होना आपका हमें बहुत स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि यहाँ के लोगों का इंटरेस्ट हो सकता है लेकिन आपका यहाँ आना हमें कई इस हिस्से के बहुत सारे लोगों से जुड़ने का मौका भी देगा। और हम जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि अब जल्दी से जल्दी सबसे पहले तो जो टाइग्रेस एक छोटे से एनक्लोजर में है उसे रिलीज करें, क्योंकि आपको एक मतलब इंडिपेंडेंस डे पे आपको एहसास है कि आज आप आज़ाद होकर के कितने कितने खुश हैं, कितनी आपकी चीज़ों लाइफ में तब्दीलियां आ चुकी हैं। एक टाइग्रेस जो बोल नहीं सकती है एक छोटे से एनक्लोजर में पता नहीं किस वजह से क्लोज है, बंद है और कैद है, तो उसकी भी भावनाओं को समझना होगा। सबसे पहले उसे रिलीज किया जाए, उसका पेयर बनाया जाए और आगे भी कुछ और टाइगर्स को लाया जाए, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें एक बहुत धीमी रफ्तार से होती हैं, तो
किसी भी तरह से वो हमारे हमारी मनोभावनाओं के अनुकूल नहीं होंगी। हम चाहते हैं इस मामले में तुरंत फैसले हों और इसीलिए हमने आपको आमंत्रित किया है कि आप यहाँ आएँ और हमें ताकत दें ताकि हम इस चीज़ को जल्दी से जल्दी करवा सकें। आपके अलावा यहाँ पर झालावाड़ से भी एक बड़ा ग्रुप आया है, उनका आना आपका आना मुझे लगता है कि अब सारी तैयारी हो चुकी है कि अब कोट ये टाइग्रेस रिलीज होगी और नए पेयर बनेंगे और नए टाइगर्स आएंगे। एक बार वो इंट्रोडक्शन आपने जो मैं स्टोरी दो मिनट में शुरू ये यहाँ पर टाइगर्स आठवें दशक तक मौजूद थे और लोगों को नज़र आते थे, लेकिन उसके बाद में जिस तरह की पूरे देश में ऐसा हुआ कि टाइगर्स यहाँ से डिसअपीयर हो गए, लेकिन कोटा के लोगों के मन में टाइगर्स के लिए जो अनुराग शुरू हुआ वो 2004 की बात है। एक रणथंभौर से टाइगर ब्रोकन टेल नाम का टाइगर कोटा में घूमता हुआ आ गया, भटक के आ गया, तो वो यहाँ जितने दिन रहा कोटा में उसको लेकर के एक अलग तरह का जोश था, एक अलग तरह की एक्साइटमेंट था कि कोटा के जंगलों में टाइगर है। फिर उसकी अनफॉर्चुनेटली एक ट्रेन से टकरा करके यहीं पर इसके पास ही यहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर पे डेथ हो गई। उसके बाद में लोगों को लगा कि यहाँ पर टाइगर रह सकता है और हमें टाइगर चाहिए। उसके बाद में 4-5 साल बाद जब मैं अपने कुछ दोस्तों की वजह से इसमें जुड़ा तब यहाँ पर नेशनल पार्क डिक्लेयर हो चुका था, लेकिन इसका उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ था। नोटिफिकेशन में कोइंसिडेंटली फिर भीलवाड़ा के एक पॉलिटिशियन ऑफ की इच्छा शक्ति काम आई और उसके वजह से हम श्री रामलाल जी जाट जो उस टाइम के फॉरेस्ट मिनिस्टर थे उनकी वजह से इसको फाइनल नोटिफिकेशन करवा पाए। और उसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ा फैसला उनके टेन्योर में हुआ वो कोटा का टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में डिक्लेयर होना था। उसके बाद में कई सालों तक 4-5 साल तक ये टाइगर रिजर्व बिना टाइगर के रहा। ऐसे में हमें एक और टाइगर प्रेमी हैं श्री दुष्यंत सिंह जी जो कि यहाँ के सांसद भी हैं, उन्होंने कहा कि ये चीज़ मैं आगे बढ़ाता हूँ और फिर उन्होंने एक 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 मोड़ पर एक एक मुश्किल में हर चीज़ को एड्रेस किया और इस चीज़ को अंजाम तक पहुँचाया। कई सारे अवार्ड हैं यहाँ पर कि एक बार जो इसकी फैसला करने वाली संस्था है वो भी नहीं चाहती थी कि यहाँ टाइगर आए। एक बार एक एनजीओ ने यहाँ पर कोर्ट केस से रोक दिया सारे सिस्टम को, लेकिन यहाँ के लोगों ने और यहाँ का जो स्टाफ या जो पुलिस फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं उन्होंने इसमें हर चीज़ को फेस किया और यहाँ पर 4 टाइगर और टाइग्रेसेस रही। एक और बात ये थी कि कई लोगों को ये लगता था कि ये जगह अनुकूल नहीं है, लेकिन उन 2 पेयर से 2-2 बच्चे हुए, मतलब 4 के साथ में 4 और हुए, तो ये और ये सिर्फ 1 साल के अंदर हुआ, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जगह कितनी माकूल है उनके लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें से हमने ज़्यादातर गवा दिए, लेकिन ये जंगल की कहानी है, जंगल में ऐसा होता रहता है। हम नए सिरे से तैयार हैं, हम फिर टाइगर लाएंगे और फिर उसके बाद में उसकी वंश वृद्धि करके इसको शानदार बनाएंगे। तो सर बेटा आपने की मतलब सभी को बताया, डॉक्टर साहब ने जो बताया इसकी कहानी, और हमें बहुत सपोर्ट करना है इस चीज़ को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है ताकि जो टाइगर रिजर्व के लिए सर जो प्रयास कर रहे हैं वो सारी सफलताएं उनकी जितनी भी उन्होंने कोशिश है वो सारी सफल हों। तो अभी हम सब किशोर सागर हनुमान जी का मंदिर है, वहीं पर एक किशोर सागर बांध है और कोटा के पास में एक बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है, उसे हम देखने के लिए जा रहे हैं। तो मेन जो इसका व्यू पॉइंट है वो ये है किशोर सागर डैम, और इसी के किनारे पर वहाँ जब आगे हम जहाँ से आए हैं वहाँ पर किशोर सागर हनुमान जी का मंदिर है। तो मंदिर ये नीचे वाटर व्यू है। शर्मा जी हां अरे हां हां भाई एकदम नहीं है चलो ए हां। ये जो आप किला देख रहे हैं जो ये बना हुआ है ये बहुत ही पुराना और ये अभी पूरा वन विभाग के अंडर में है, अंदर एक मंदिर बना हुआ है और जस्ट पाल के किनारे है। ये जो मंदिर है ये किशोर सागर हनुमान जी का मंदिर है और ये मंदिर कोटा दरबार के अंडर में आता है। ये देखिए ये जो भगवान की आँख है ये खुद प्रकट हुई है यहाँ पर। तो दर्रा की पहाड़ियों में और जंगलों में घूमते हुए तो यहाँ पर कदम करंज पीपल बरगद बहुत विशाल विशाल पेड़ हैं यहाँ पर और
बहुत अच्छा एक्सप्लोर किया। अभी लंच लग चुका है। तो फ्रेंड्स लंच हो गया है और अब हम वापस निकल रहे हैं भीलवाड़ा के लिए। एंड आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें एंड कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा।